एक माँ की कोख से जन्मे दो योद्धा बड़े निराले थे, दोनों बड़े ही चूरवीर, दोनों ही माँ को प्यारे थे। था एक पुत्र सूर्य का, जिसने धिक्कार सदैव पाया था, क्षत्रिय कुल का होकर भी वो सूत पुत्र कहलाया था। दूजे को तुम कम न समझो, वो भी इंद्र का अंश था, जिसके पराक्रम पर अभिमान करता पूरा गुरुवंश था। तीरंदाजी में उस अर्जुन को कोई योद्धा जीत न पाया था, किंतु टक्कर देने जब पार्थ को स्वयं मैदान में अंगराज कर्ण आया था। महाभारत के उस महासमर में यूं तो हजारों किरदार थे, पर सबको मोहित करने वाले गांडीवधारी अर्जुन और केवल अंगराज थे। कर्ण के पास कवच कुंडल और इंद्र का वरदान था, किंतु पार्थ भी ऐसा योद्धा था जिसे ब्रह्मास्त्र प्रदान था। कई दिव्यास्त्र पार्थ की तुलिन में समाते थे, यही कारण था सब शत्रु गांडीवधारी से थर्राते थे। फिर विराट युद्ध में दुर्योधन अंगराज संग आया था, द्रोण भीष्म के साथ पूरी कौरव सेना लाया था। एक एक करके पार्थ ने अकेले सब योद्धाओं को हराया था। फिर युद्ध के अंत में अंगराज को भी रण क्षेत्र से भगाया था। अब याद करो तुम द्यूत सभा को, जहाँ किया एक नारी का अपमान था। उस सती को वैश्या कहने वाला क्या वो अंगराज महान था? जब 17वें दिन पार्थ ने अंगराज को नीकवच कुंडल के मारा था, अरे भावुक हुआ था पार्थ भी, जब स्वयं को दोषी भी स्वीकारा था। मानता हूँ अंगराज दुर्योधन से वचनबद्ध था, किंतु साथ हर कदम पे अधर्म का दे, क्या खाको मित्र धर्म था? दानशीलता में अंगराज का ना कभी कोई सानी था, किंतु राज मिलने के पश्चात हुआ वो दानवीर अभिमानी था। निश्चेष्ट अवस्था में जब अंगराज धरा की गोद में सोए थे, पांचों पांडव माँ कुंती संग स्वयं नारायण भी तब रोए थे। क्षमा याचना की जब पार्थ ने, अंगराज प्रसन्न हो आए थे। अंतिम शब्दों में राधे ने कहा, मेरा आदेश ये माना जाएगा, पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर नहीं, मेरा प्रिय अर्जुन मेरी चिता में आग लगाएगा। अरे दोनों वे बंधु भाई थे और माँ कुंती के तीर थे, इतिहास में जिनका अमिट है नाम, ऐसे वो परम वीर थे। कलयुग में कर्ण अर्जुन पर लड़ने वालों, क्यों अपनी मर्यादा को तुम भूल जाते हो? बेमतलब की बहस करने हेतु अपनी संस्कृति पर सवाल उठाते हो। अंगराज तेरा कसूर इतना था कि तू अधर्म के साथ था, पापियों के साथ मिलके तू साक्षात नारायण से अज्ञात था। जब वासुदेव ने बोला था कि धर्म मार्ग अपनाओ कर्ण, ये बात न तुमने मानी थी, इसलिए हुआ था तेरा मरण। अरे इतिहास में झांक कर देख लो तुम, कर्ण अर्जुन को समान पाओगे। कुछ बुद्धिजीवियों के सीरियल देख के तुम महाभारत पर सवाल उठाओगे। कर्ण अर्जुन के इस विवाद को तुम आज ही समाप्त करो। तुमसे विनती इतनी करता हूँ, अपने धर्म का सम्मान करो, अपने धर्म का सम्मान करो। सभी मित्रों को जय श्री कृष्णा। आई एम वीरेंद्र शर्मा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मुझे कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।